बेटी, ये वही पेपर्स है जिस पर तेरे डैडी ने धोखे से तेरे साइन लिए थे। अरे तुम दोनों यहाँ बैठे हो, मैं तुम दोनों को नीचे ढूंढ रहा था। यही है ना वो कागज का टुकड़ा जिसे आपने अपने जिद का हथियार बनाया, और इसी की बुनियाद पर आप अपनी बेटी की बर्बादी का तमाशा दुनिया को दिखाना चाहते थे। तुम होश में तो हो, क्या बकवास कर रही हो? मैं जो कुछ भी कह रही हूँ पूरे होश हवास में कह रही हूँ। अब मैं इस बेजान कागज के टुकड़े के वजूद को खत्म कर देती हूँ। मेरी बेटी को थप्पड़ मारकर उसने अपनी हैवानियत का सबूत दिया है, ऐसा सबूत जिसे देखकर जानवर भी शर्मिंदा हो जाए। मुझे इस बात को बहुत अफसोस है अमरनाथ जी। बात अफसोस की नहीं है, चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसी बेगैरत औलाद को जो मुंह छुपाए अंदर बैठा हुआ है। औरत पर हाथ उठाने वाला मर्द नहीं होता है, बुज़दिल होता है, बुज़दिल। वाह डैडी वाह, आप ही कहते थे ना औरत पर हाथ उठाने वाला मर्द नहीं बुज़दिल होता है। बेटी, आज ये जो कुछ भी तेरी नजरों के सामने हुआ है पहली बार नहीं हुआ, ये तो बहुत साल पहले हो चुका था। एक बात कहो बेटी, मैं आज भी अपने पति का घर छोड़ के मायके नहीं जाऊंगी। मम्मी, मैंने फैसला कर दिया है, मैं आशु के पास वापस चली जाऊंगी। तुम वहां हरगिज़ नहीं जाओगी। मुझे ये एहसास हो गया है कि मैंने अपना घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। मैं देखता हूं तुम वहां कैसे जाती हो। अब मुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती।